दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें बताने वाला हूं। दोस्तों ये तीनों खबरें देश की संविधान को तार तार कर देने वाली खबरें हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहली खबर है अयोध्या से। दोस्तों अयोध्या में एक बाबा है जो अपने आप को संत जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज मानता है। दोस्तों इसका पोल खुल गया है, इस बाबा का पोल खुल गया है। दोस्तों इस बाबा का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों असल में ये आचार्य महाराज नहीं है, एक फ्रॉड है, फ्रॉड। दोस्तों आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दोस्तों अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये आचार्य महाराज नहीं है। दोस्तों आप पहले इस वीडियो को देखिए। पहला नंबर तो आचार्य का डिग्री नहीं है इनके पास कि आचार्य लगा रहे हैं। पहला नंबर तो आचार्य की डिग्री नहीं है कि आचार्य लगा रहे हैं। दूसरी बात, ये आज तक संविधान में ये उचित कोई बात ही नहीं की है। इनको हर 6 महीना पे दौरा समाधि की, तो क्यों ये रूम में घुस करके बैठे हुए हैं? निकले तो जब समाधि की, निकल क्यों नहीं रहे हैं? 11:30 बजे से अभी समय हो गया 12:41, निकल क्यों नहीं रहे? ऐसा होता तो वो चीता एकदम बिल्कुल लकड़ी पूरा तैयार करके आज चीता पे टहल नहीं, अब तो पुलिस वाले हमको बैठने नहीं देंगे। मान गए, ऐसी मानना क्या है? ये दौरा है, सही कह रहे हैं आप? नहीं तो कहे ही रहे, सही कह रहे हैं। वो निकले तो हम लोग खुद उनको बुला करके समाधि के लिए ले चलेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि एक आदमी बता रहा है कि ये आचार्य महाराज नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर ये आचार्य महाराज नहीं है तो फिर कौन है? कौन है जो देश की संविधान को तोड़ने की बात करता है? कौन है जो देश की संविधान को खत्म करने की बात करता है? दोस्तों ये वही बाबा है जो कुछ दिन पहले ये वादा किया था कि अगर 2 अक्टूबर तक इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो ये अपने आप को जल समाधि कर लेंगे, अपने आप को जल के हवाले कर देंगे। दोस्तों आज 2 अक्टूबर गुजर गया, देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना और ये आचार्य झूठे झूठे बाबा झूठे आचार्य महाराज ने अभी तक जल समाधि नहीं ली है। सवाल यहाँ ये है कि ये अगर ये सच्चे हैं, सच्चे आचार्य हैं, सच्चे महाराज हैं, तो इसने अभी तक जल समाधि क्यों नहीं ली? और दोस्तों दूसरी खबर जुड़ी है गांधी जयंती से। दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है और हम सब ने आज गांधी जयंती मनाया। दोस्तों ट्विटर पर हमने देखा कि गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों ये कौन लोग हैं जिसने गांधी को मारा? गोडसे, गोडसे ने गांधी को मारा। आज पूरे देश को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा। गोडसे ने ही गोली मार के महात्मा गांधी को ख़त्म किया था। और आज वो कौन लोग हैं जो गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं और गोडसे का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं दोस्तों और कहां से आ रहे हैं? ये लोग इतनी नफरत इस देश से क्यों करने लगे? ये लोग इतनी नफरत हमारे बापू से क्यों करने लगे? ये लोग क्या चाहते हैं इस देश से? और दोस्तों ट्विटर पर गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करवाने वाले इन देश की गद्दारों को जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आती है गोडसे जिंदाबाद लिखते हुए और गोडसे जिंदाबाद कहते हुए। और तीसरी खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम खबर है दोस्तों, क्योंकि तीसरी खबर जुड़ी है हमारे देश की बेटियों के साथ। दोस्तों हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हमारी देश की बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है। आज देश की बेटियों के साथ लगातार बर्बरता हो रही है। आज देश की बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी हो रही है। आज देश की बेटियां दरिंदगी की शिकार हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस पूरे देश की सरकार बिल्कुल खामोश है। इन दरिंदों के खिलाफ में एक शब्द भी नहीं निकाल रहा है। आखिर क्या वजह है दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस देश की संविधान ने मुजरिमों को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया है, लेकिन दोस्तों मुजरिमों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या एक के बाद एक देश की बेटियां मारी जाएगी? दोस्तों दिल्ली की बेटी संगम, बिहार की बेटी राबिया सैफी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। एक
महीने से भी ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन एक भी नेता, एक भी लीडर, एक भी एंकर, एक भी मीडिया वाले, एक भी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी ने राबिया के इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाई है। उसके बाद दोस्तों जस्ट बाद हमने हैदराबाद की उस बच्ची को देखा कि किस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई और उसको जान से मार दी गई। उसके बाद दोस्तों मुंबई की घटना हमारे सामने है कि किस तरह से मुंबई में दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची किस तरह से मर गई और ये सरकार बिल्कुल खामोश है। दोस्तों उस बच्ची के साथ हैवानियत जैसी सलूक हुई और उसको जान से मार दी गई, ये हैवानियत नहीं है तो फिर क्या है दोस्तों? दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन हैवानों को, इन दरिंदों को सजा मिले तो दोस्तों इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके भी मन में कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे, उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे।